हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 17 पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम कुछ सॉल्व एग्जांपल पढ़ेंगे रिलेटेड टू पैरेलल इक्वेशन। तो पैरेलल इक्वेशन से रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल को किस तरह सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक पहला एग्जाम्पल है। इफ द पैरेलल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज 1/p² = 1/a² + 1/b² - r² / a² b² देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें इसमें निकालना है, रो एट एनी पॉइंट, रो इसको डिनोट करते हैं। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी रो। तो इस क्वेश्चन को हमें रो बराबर आर डी आर अपॉन डी पी, यानी इस क्वेश्चन को वन को हमें पी के करस्पोंडिंग डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हम करते हैं करस्पोंड डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब इस फंक्शन को होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास पी के करस्पोंडिंग। तो पी के करस्पोंडिंग फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/pq - 2 आगे इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो ये जीरो, 1/a² ये कांस्टेंट है, b कोई कांस्टेंट है, ये जीरो हो गया। और ये अगर इसमें देखें तो माइनस यहां से 2r और ये नीचे वाला जो है कांस्टेंट है, ये हो गया हमारे पास। तो यहां से हमारे पास आ गया माइनस से माइनस कट जाएगा और साथ में जब 2r तो इस डी आर अपॉन डी पी, क्योंकि जब r का किया तो डी आर अपॉन डी पी भी आएगा, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहां से अगर हम इस तरफ ले आए सारी साइड्स को, सारी टर्म्स को, कि हमें सिर्फ चाहिए r डी आर अपॉन डी पी, यानी r को छोड़ना है और डी आर डी पी को छोड़ना है, बाकी सारी टर्म इधर आनी है हमारी। 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो गया हमारे पास a² b² अपॉन पी क्यू और इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी इक्वल टू रो। तो यहां से a² / b² अपॉन पी क्यू इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी रो डी पी, ये हमारे पास रो का रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई। ये रेडियस है इसकी, जो कर्व था इसकी ये रेडियस ये है हमारे पास। तो इस तरह से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स।